ऐसे भरपूर धूप में निकले हैं बाम फिशिंग के लिए, और हमारा आज टारगेट है बाम फिशिंग करेंगे और कुकिंग भी करेंगे, बाम का सालन बनाएंगे। मास्टर कैसा बाम का सालन बनाते हैं आप एक बार ट्राई कीजिएगा जरूर। सबसे पहले स्पॉट पे पहुंचते हैं, काफी दूर है स्पॉट, पुणे से जाके उधर से जाना है और वहां पे जाना है। बाम बड़े बड़े साइज के पकड़ता है, यहाँ पे सोहेल काफी पकड़ चुका है बड़े बड़े बाम। सोहेल के कहने से आया यहाँ पे, बहुत धूप है यकीन मानो, दो चार दिन पहले बारिश हुई थी, धूप खींच रहा है भाप बना के, तो बहुत ही खतरनाक हाफ बोल सकते। क्या उधर नहीं जा सकते? नहीं जा सकते थे ना उधर। अच्छा, इधर तक आने में सबकी हालत खराब हो चुकी है, बहुत ज्यादा सामान है कुकिंग का हमने ला लिया यहाँ पे, बहुत ज्यादा पानी भी है, आइस का डब्बा, पूरे थक चुके, तो हमने डिसाइड किए हालांकि सबसे बेहतरीन स्पॉट वो वाला है, उसके लिए इधर से जाके इधर एक कोना घुस के ऐसा जाके घूम के फिर उधर से एक कोना घुस के फिर ऐसा आना पड़ता है यहाँ पे, तो बहुत मुश्किल है, तो हम यही पे ट्राई करेंगे। मुश्किल पड़ेगा यहाँ पे पकड़ना, लेकिन कोशिश तो करना ही है अपने को। दोस्तों ये देसी जुगाड़ है, सोहेल बताओ ये छड़ी, ये अपना खजूर की झाड़ की है ना, खजूर की झाड़ जिधर अमरावती में इधर सिंधोली बोलते हैं, सिंधोली का टूटता नहीं, काफी मजबूत होता है, बड़े बड़े मरल मारा मैंने तीन तीन चार चार किलो, काफी मजा आता होगा ना। बचपन वाली छड़ी है ये मेरी, मेरे को बना के देगा क्या? 8-10 हाँ मिल जाएंगे, वो भी सीधे सीधे उनको बांध के रखा ना, एक बार जो सीधी होगी स्टिक से पकड़ना छोड़ देंगे, बोला पूरी ऐसी रॉड लचकती है पूरी, जब मच्छी लगेगा ना तो इसको तो भी वो नहीं है, ये पूरा लचकेगा, अरे टूट जाएगा ना, नहीं पकड़ रहे जोर से झटका मार, फिर भी इसको वो सामने वाला सेंडा नहीं है तो मोटा है करके, ये तुम कितना भी नहीं अपने को सेंडा, अरे बाप रे, बस बस करेगा, अरे नहीं झटका, तुमको लग रहा वैसा झटका, तो इतना प्यारा बैठा ना मछली। दोस्तों जो बांस की छड़ी जिसके पास इंतजाम नहीं है आप ये इसकी बना सकते हैं खजूर के झाड़ के, सोहेल से लेंगे अपन बना के 5-6 कम से कम झींगे पकड़ने के लिए, उसका पूरा सेंडा चाहिए अपने को, वो लचक कुछ अलग ही रही थी, कितना भी बड़ी मच्छी लगा दोस्तों, मैं भी अपनी छड़ी बना लेते, देसी देख लिया अब विदेशी देखते जरा सा। बाम के लिए इतना बड़ा लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ बड़ा बाम ही पकड़ना है, छोटे गल लगाने ही नहीं, ये देखो ताकि यहाँ पे मरल भी लग जाते केंचुए में, तो हिसाब से ये गल अपन इस्तेमाल करेंगे, फ्लोर बड़ा देंगे ताकि दिखना भी चाहिए, गहरे में खेलेंगे। ये बाम है, बाम छोटी बाम है, अरे यार छूट गए हो फरान भाई, छोटा था ये, देखो कितनी बड़ी तलपी लगी। GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग, परिंदा मेरा इधर बढ़ रहा है, अरे यार दोस्तों हमारी सारी कोशिशें फेल दिख रही, सिर्फ तलपी लग रही है, सिर्फ तलपी, बाम का एक शकल देखने को नहीं मिला अभी तक अपने को, तलापिया लगो या बाम लगो, टारगेट बाम का था, बाम तो दिखने रहे। जावेद भाई का क्या बात है, जावेद भाई क्या बात है बॉस, मजा तो आया, यहाँ के बाम सिर्फ सोहेल को पहचानते, क्या साइज लगा बाम का, ओहो सोहेल ऊपर ले ऊपर ले ऊपर ले, आखिरकार लेना लेना बाहर निकालना, आखिरकार अपने को एक बाम लगी, क्या साइज, बाप रे, क्या बात है यार, लगा लगा आखिर तलपी पकड़ते पकड़ते, सोहेल छुड़ा इसको कैसे, क्या छुड़ा था, बहुत खतरनाक है ये, खतरनाक है ये गला, दो दो बांधे ना करके, अच्छा दो दो गल लग गए क्या, दो लगे ना, आखिरकार आया है ना, कैसे पकड़ लेता रे जिंदे में, उठा ये देखो गल किधर से, जो दूसरे वाला ये तो टाइट पकड़ा है बिल्कुल, ये काट लो ये वाला, ये तो बाम की साइज गजब यार, ये कांटा मारता ना उड़ के,
पत्थर है इधर। पत्थर में तो रहेंगे। राजू मास्टर को दूर से आया भाई, नहीं अटका दिए कहीं, लेके बैठ गए क्या, पकड़ा गया। अरे बाप, आज जावेद भाई को बाम, क्या मास्टर। अरे 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 अरे, जान दो जान दो जान दो। ओह शिट, मार मार सर थलपी। सुहेल क्या यार बटे मच्छे बर्बाद कर। अरे तेरी जात को पैदा मारूं। देखो वाला मेरे को लगा बाम है, लेकिन भाई तलपी लगे। हमारा टीम पूरी लगी हुई बाम के लिए, लेकिन बस तलपी चाह रही है। टारगेट था तलपी, तलपी के वजह से मन होगा ना, तलपी तलपी में वही लगते। क्या रे बंद बंद क्या गया था ना? नहीं क्या, अच्छा अच्छा तलपी इतनी लग रही कि बस फेंक फेंक के सब मेरे को ही रखना पड़ रहा आके। अचानक से पूरा मौसम खराब हो गया दोस्तों, और बिजली कड़क रही है। मैं कर रहा चलने की तैयारी। अरे है कौन सा बाम पकड़ लियो। चलो दिक्कत होगी क्या तुमको, हो रही दिक्कत। एक उधर लगा, बढ़िया क्या। क्या साइज मारे बाप रे फरहान भाई ने। ओहो हो हो हो, क्या बात है बाप रे, एक नंबर। बाकी मारे उस दांत तुम्हारी जगह थी, और वो टप्पे में। हाँ वो पहला जो मेरा छूटा था वहां से। बस 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 बस। हाँ क्या वहाँ बहुत माल घुसे रहे थे, लेकिन वो ठंडक पान अभी कैसा पतला पानी गर्म हो गया ना पूरा। नहीं एक्चुअली वो खाना बनाना है, टाइम बचा नहीं ना तो खाना बनाना है। चावल हमने चढ़ा दिए, साइज के काटो फटाफट पीस पीस करो। ऐसा चाकू उल्टा घुमा घुसा, हाँ ऐसा चीरा मार दे। उसका पेट देख ना क्या निकल रहा, क्या खाते ये जरा जांच कर। वो जो मच्छी लगा था ना इसमें क्या है? देखो जरा निकाला झींगा, नहीं मच्छी है ना, मच्छी और धनगर का बच्चा वही खाता ज्यादातर है ना। झींगा भी है, झींगा भी है। ये क्या खाया, ये कीड़ा है। हाँ वही कीड़ा है, वो पानी में का कीड़ा। अच्छा है। अच्छा ये भी खा लेता। हाँ ये भी खाता है, देखो देखो क्या क्या खाते बाम। पानी का वातावरण बन गया यार कलिंगा। यहाँ की बाम में नारू नहीं है, लेकिन नहीं एक चीज देखा मैंने, वो अंदर अंदर चीरा मार। वो ये
क्या साइज है देखो ना यार मेरा हाथ। मेरा चाकू खराब कर दे रहा सोहेल। साधन है नहीं कुछ। अरे बहुत बड़ा पीस नहीं हो जाएगा मास्टर बोलो। हाँ चल ठीक देख तो हाथ बचाना अपना। हाँ कपड़े से पकड़ और थोड़ा सा छोटा साइज मार। तुम्हारा ट्राइपॉड ईटा वाले का फोन बाकी का 26 तारीख 26 तारीख को देंगे बोल। तुम्हारा चावल चढ़ गया मास्टर। प्याज ये तरबूज तरबूज क्यों नहीं बोलते आप तरबूज बोलते ना क्या नहीं बोलते तरबूज। इतना भयानक मौसम बन गया है अप्रैल के महीने में बारिश का पूरा फील दे रहा है हर तरफ। उधर भी गड़गड़ चालू उधर बारिश भी चालू है। हमारे इधर कुकिंग चालू है क्या मालूम बनाने देता है कि नहीं देता। चावल बना कौन सा सिज गया मास्टर ना, चर्बी कितना निकल रहा है पानी निकाल रहे चावल का पानी पानी निकाल देता है झाड़ मर जाएगा। पानी चालू हो गया गिरना कैमरा बंद करना पड़ेगा ये वाटरप्रूफ नहीं है। बारिश चालू हो चुका है दोस्तों। क्या ये बारिश के मजे ले रहे हो अप्रैल के महीने में बारिश का मजा मिल रहा है अपने को। अप्रैल में बारिश और बारिश में क्या है यार बारिश की वजह से इधर आया नहीं। इसमें क्या क्या डाले मास्टर नमक डाला। बारिश चालू है इधर छन 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 करके हवा जा रही है। कड़क फ्राई करना पड़ेगा सिर्फ हल्दी नमक और नींबू थोड़ा सा। हाँ नींबू नहीं भी डालते चलते बाम है ना कड़क ही रहता ना पीस इसका ताज़ा है। इसके हिसाब से नींबू डाले थोड़ा उसका जो ताज़ापन है थोड़ा निकल जाता है। तेल गर्म हो रहा है इसमें पानी की बूंदे पड़ रही तो कैसे आवाज़ कर रही चलते बहुत गर्म होगा चल रहा। क्या बात है क्या लग रही है पीस मास्टर। बहुत गर्म है अपना पीस निकले हैं कैसे है। अरे गजब का कड़क हो गया वो गजब। देखो जरा नमक बड़ा बड़ा सर नमक नमक बड़ा बड़ा है नमक। इतनी मशीन नहीं बनी है मिल रहा क्या कड़क कुरुम कुरुम कांटे टेंशन नहीं साग रहा। क्या बोलते बोले सिर्फ हल्दी नमक से फ्राई किया तेल जल रहा है डालो थोड़ा जीरा जीरा है जल्दी डालो प्याज। दादा क्यों खुशबू यार माशाल्लाह भाई जीरा खत्म हो गया। जीरा खत्म हो गया वो अंगार बहुत तेज था ना ओ भाई माशाल्लाह जीरा डालने भी तो तुमने। अरे क्या फूटा लकड़ी अच्छा लकड़ी फूटा क्या ऊपर से कुछ उड़ा नहीं। ये प्याज मर गया मास्टर जल्दी मसाला लाओ उधर लालू को अरे जल जा रहा। टमाटर का पानी मर जाएगा अभी कुछ देर में उसका अंगार तेज करना रहेगा तो ऐसा आप डाल सकते। अब क्या डाल रहे मास्टर डालो ये
बहुत ताकत लगी भाई। कोई डाल रहे क्या? ये हरी मिर्ची, मिर्ची चीरे डाल के, नहीं तो उड़ेगा, आवाज करेंगे। थोड़ा सा हल्दी। लड्डू बनाएंगे मम्मी पकना, लड्डू बनाएंगे उसमें गोला पड़ा भी बाद में क्या। ये पानी का बटन थी, यदि कहेंगे तो जम जाएगा तो दे दो। नहीं मिर्ची नहीं मिलेगा क्या? ये धनिया पाउडर। धनिया पाउडर दोस्तों, टाइमिंग देख सकते हो कि किसके बाद किस क्या डाल रहे हैं अपन, क्योंकि हमेशा से बोलते हैं जो मसाले को सही टाइम में आता है उसकी मेन स्वाद है, जो इतना असली टाइमिंग के कारण है, क्योंकि बहुत पहले डालेंगे तो जल भी जाएगा, बाद में डालेंगे तो पकेगा भी नहीं, इसके लिए टाइमिंग बहुत होना जरूरी है। थोड़ा सा पानी डालो। ये क्या है? जीरा पाउडर। जीरा पाउडर डालो। अब अपने को ग्रेवी के लिए जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल सकते हैं। डालते मच्छी तो बोलते क्या मच्छी के साथ उबलेगा ना? बस इसको 5 मिनट रख के बस उतार देना है। काम नहीं कर रहे हैं आप। और रान भाई आपको दिख रहा व्हाइट फ्लोट, उसको है घी मार सकता नहीं। जावेद भाई को दो जल्दी से। अरे खाने से पहले यार वो बोतल में ठंडा पानी निकाल लेना। सलाद लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। कर लोगे रान भाई? हां निकाल लो। बनावट एक नंबर है। एक नंबर लग रहा। सलाद को सर सर देखो कैसे लग रहा। थोड़ा खींच लेना था यार, मेरे को दिख रहा कि Thank you.
हाँ यार बाम है बाम, अरे बाप रे बाप साई, अरे माँ कसम मास्टर ये मोबाइल से लाइट लगा के पहले लो, बड़ा साइज है यार, माँ कसम आखिरकार देखो बोला। मैं सोचा मेरे हाथ से तो आज है ही नहीं, ये अभी जस्ट उठाया, मैं उधर से आ ही रहा था, मरल चेक करने का था और दूसरा खा लिया उसने। बोले कलीम भाई आप तुम्हारी छड़ी पे डबल से लगा तो आप निकालो, वो खींचा था महसूस हो। ये देखो साइज गजब यार, देखो बोला कितनी बड़ी है, देखो अंदाजा लगा लो। आखिरकार मुझे मिल ही गया, मेरी छड़ी में दो मिला लेकिन एक सोहेल निकाला और एक ये मैं निकाला, देखो गजब। जावेद भाई को लगा कैसा फील आ रहा सादा? वो नारू नहीं है यार, वो प्रजाति अलग है, वो जो मछली देख रही। तो क्या वो कंगारू है? नारू कैसा आता कलीम भाई, बाल से भारी खाता वो नारू। हमारे घर के बाल मोटे है ना तो इसके लिए नारू मोटे।